सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। हर व्यक्ति को सफलता और असफलता का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए असफलता से डरना नहीं चाहिए बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। अगर हौसले हो तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया था देश की सबसे बड़ी टायर कंपनी के मालिक मेमन मैपिल्ली, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत के दम पर MRF जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज MRF टायर के मार्केट में बुलंदियां छू रही है। MRF का पूरा नाम मद्रास रबर कंपनी है। MRF टायर यानी कि मद्रास रबर कंपनी आज टायर इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। लेकिन एक दौर था जब इस कंपनी की शुरुआत करने वाले शख्स यानी कि मेमन सड़कों पर बैग में बलून यानी के गुब्बारे लेकर बेचा करते थे। मेमन के पिता ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे। मेमन के पिता जब जेल में थे तो वो बैलून बेचकर परिवार चलाया करते थे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करते थे। मेमन ने स्नातक टायर मैन्युफैक्चरिंग से ही किया था। फिर करीब 6 साल तक बैलून का कारोबार करने के बाद साल 1946 में रीड रबर बनाना शुरू कर दिया। तब मेमन 24 साल के थे और एक कमरे में उन्होंने बच्चों के लिए खिलौना भी बनाते थे। फिर उन्होंने अपना पहला ऑफिस चीटे इंडस्ट्रीज मद्रास में खोला था। धीरे धीरे मेमन रबर से बने उत्पादन की बिक्री करने लगे। यही कारण है कि साल 1956 तक आते आते उनकी कंपनी रबर के कारोबार में बड़ा नाम कमा चुकी थी। रबर प्रोडक्शन के बाद उन्होंने टायर इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। साल 1960 में उन्होंने रबर और टायरों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई।